हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। बेस्टिव रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में न्यू आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे चैनल में सबसे कम प्राइस में डिस्काउंट में बहुत अच्छे अच्छे शूज़ की कलेक्शन की रिव्यू हम लोग अपडेट करते हैं। आज हम बात करेंगे फॉर्मल शूज़ के बारे में। हम टॉप 2 फॉर्मल शूज़ लेके आए। ये अभी अमेज़ोन पे ऑनलाइन पे डिस्काउंट पे आ रहा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहीं से इसको बाय कर सकते हैं। फर्स्ट जो शूज़ है दोस्तों, ये जो शूज़ है ये फॉर्मल शूज़ है, लेसेस के साथ है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका मटेरियल जो इसमें यूज़ किया गया है, ये फ्यू मटेरियल है। फ्यू मटेरियल काफ़ी कंफर्टेबल होती है, लॉन्ग ड्यूरेबल होती है और वाटर रेजिस्टेंट होती है। कभी कभी पानी में भी भीग जाए तब भी इसको कुछ नहीं होते। इसके फ्यू मटेरियल से बना है दोस्तों ये शूज़। इसकी साइड में जो लाइनिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों साइड दिया गया है, क्योंकि जब आप पहन के चलेंगे तो इसमें रिंकल कम दिखेंगे, आसानी से मुड़ेगा नहीं, तो इसलिए ये लाइनिंग दिया गया है दोस्तों। इसको जो इंसोल की बात करें दोस्तों, इंसोल भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको इस एक्स्ट्रा कुशनिंग बनाना चाहते हैं तो आपको बाहर से आपको इंसोल मिल जाएंगे, आप वो इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसमें कुशनिंग दिया गया है। इसके आउटसोल की बात करें तो दोस्तों, इसका जो आउटसोल है ये टीपीआर में है। टीपीआर जो होती है थर्मोप्लास्टिक रबर, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होती है, किसी भी सरफेस पे पहनेंगे तो ये स्किप नहीं होगा। सेकंड जो शूज़ की बात करेंगे दोस्तों, ये जो शूज़ है ये भी बाटा का है और ये विदाउट लेसेस है, क्योंकि लेसेस पहनने में किसी किसी को दिक्कत होती है, झुकने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए ये विदाउट लेसेस में ये शूज़ लेके आए हैं। इसके जो बिल्ड क्वालिटी की बात करके, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है और पॉइंटेड में है। इसका जो क्वालिटी है दोस्तों, दोनों पहले वाले शूज़ में जैसे हैं, इसमें भी प्यू मटेरियल यूज़ किया गया है। और इसका जो आउटसोल है ये भी, ये प्यू का है। प्यू के होने के कारण ये शूज़ काफ़ी लाइट वेट हो जाती है और काफ़ी टाइम तक आप इसको पहन सकते हैं। शूज़ की साइड में देख सकते हैं आप, इलास्टिक दिया गया है, जो कि आपकी पैर की अकॉर्डिंग मूवमेंट को ये ऑब्जर्व करेंगे और आपकी पैर की अकॉर्डिंग इसको कम्फर्ट देंगे। दोस्तों शूज़ में एक खास बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ये शूज़ अगर आप पहनते नहीं है तो ये झड़ जाएंगे, हाइड्रोलिसिस हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इसको हफ्ते में एक दो बार भी नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, आप इसको खुला छोड़ देना, बॉक्स में या किसी भी पन्नी में पैक करके मत रखना। ये दोनों शूज़ दोस्तों आपको 800 तक आपको मिल जाएंगे। अगर आप शूज़ को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहीं से इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।